डंडावत बंदन अनकबार सर्वकला समरथ डोलन ते राखहु प्रभु नानक दे कर हाथ। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन का बंदन सिर चरणन पर तार। कीता पर उपकार जिन अमृत अदक छकाए गुरसिखी मरजाद में रहे जो सहज सुभाए। धन कमाई संत की गुर घर सेव कमाए धन माता तिनके पिता जिन अस सुत उपजाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज साहब जी की साजी निवाजी परम सन्मान योग गुरु रूप खालसा साध संगत जी अज आप दमदमी टकसाल के 12वें मुखी श्रीमान संत महापुरख पूर्ण गुरसिख पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म विद्या के दाते सचखंड वासी बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा दी 50 साल बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा का 50 साल सचखंड दिहाड़ा मना रहे हाँ। आप जी की जिंदगी 20वीं सदी के लोगों आम करके गुरसिखां लई खास करके एक जीवन जाच सी। आप जी अपने समय दे परमुख संपर्द ज्ञानी परमुख संप्रदाई ज्ञानी अते गुरमत दे महान विद्वान गुरबाणी दे अलसानी व्याख्याकार अते अदुती कथाकार सन। आप जी सुभा दे त्यागी पर उपकारी सादा लिबास नाम बाणी दे महान रसीए कामयाब बक्ते सन। आप जी ने अपने नाल गुरमत दे विद्यार्थियों का बड़ा भारी जत्था लेके पंजाब अते भारत भर के पिंडां कस्बियां अते शहरां विच गुरमत दे प्रचार का हड़ लिया दिता सी। आप जी की इकली शख्सियत हस्ती ने उस समय खालसा पंथ की इन्नी निग्गर सेवा की जिनी के कोई बड़ी तो बड़ी सभा सोसाइटी भी नहीं कर सकती। सो सतगुरु महाराज साहब जी की अत्यंत कृपा सी जे मैं बहुत ही व्याख्या करा बहुता इतिहास सुनावा तो समा इजाजत नहीं दिंदा। एक कवित उन्हां दी महिमा विच मैं सुनाउंदा हाँ फिर समाप्ति करांगा। विद्या के सागर हैं जागत उजागर हैं गुणन की आगर हैं रहत मोह फास हैं। असन बसन ब्रह्म विद्या को दान देत चित्त के उदार दाते नाम के अभ्यास हैं। निम्रता मिठास मानो रसना पै धाम कीनो सदा पर फुल चित नाहे गम पास है। अनुग्रह निकेत हर दीजिए ज्ञान दान तारू पव निंद अंब दास अरदास है। दास दास इत्थे समाप्ति करता है होइयां भुल्लां चुक्कां दी गुरु खालसा साध संगत जी कृपा करके माफ़ी बख्शो अगे वास्ते सुमत बख्शो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्रीमान संत ज्ञानी सुरजीत सिंह जी सोधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत ही सीमित समय में महापुरखों के जीवन बारे विचार श्रवण कराए ने। हुण दास बेनती करे